क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है, आईपीएल 2020 के लिए शेड्यूल आज जारी हो सकता है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि शेड्यूल तैयार है। आपको बता दें कि इस बार यूएई में आईपीएल के मैच खेले जाएंगे। यूएई के 3 शहर दुबई, अबू धाबी और शारजाह में ये मैच खेले जाएंगे। पहली बार ऐसा होगा कि जब स्टेडियम में मैच तो होगा लेकिन दर्शक नहीं होंगे। दुबई के 3 शहरों में आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। आईपीएल के मैच इस बार पहली बार दर्शकों की गैर मौजूदगी में आयोजित होंगे। स्टेडियम में क्रिकेट खेला जाएगा, खिलाड़ी मैच खेलेंगे लेकिन सिर्फ लोग टीवी पर इसे देख पाएंगे। मैदान में जाकर सीधी आंखों से मैच नहीं देख पाएंगे। पहली बार इस प्रकार का नजारा और 2020 आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि आईपीएल 2020 के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया गया है और संभावना जताई जा रही है कि आज ऐलान कर दिया जाएगा कि कब कौन सी टीम मैच खेलेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे। ऋषभ, क्या कुछ अपडेट है? पहली बार भारत देश के बाहर आईपीएल का आयोजन हो रहा है और काफी रोचक होगा क्योंकि दर्शकों के बिना ये मैच खेले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आशीष, 29 मार्च से आईपीएल का आयोजन होना था लेकिन कोरोना महामारी के चलते से स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब 19 सितंबर से आईपीएल का आयोजन जो है वो शुरू होने जा रहा है यूएई में, जिसके जो 3 शहर हैं अबू धाबी, शारजाह और दुबई, और 10 नवंबर से गेम खेला जाएगा और करीब 60 मैच कराए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया था लेकिन सौरभ गांगुली ने जो इसको लेकर बयान दिया है उसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि आज या कल तक इसका जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो सीएसके और मुंबई इंडियंस, जो पिछले साल का जो लास्ट फाइनल मैच हुआ था उसमें मुंबई इंडियंस विजेता रहा था और चेन्नई सुपर किंग्स उप विजेता रहा था, तो इसको देखते हुए ध्यान में रखा जा रहा है कि हो सकता है पहला मैच इनका ही रखा जाए। लेकिन सीएसके में जो खिलाड़ी और सहकर्मी पॉजिटिव पाए गए थे उसके चलते देरी की जा रही है। हालांकि जो सीएसके खिलाड़ी हैं उनकी जो आखिरी रिपोर्ट है वो आज सुबह अभी आ जानी है, तो कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है कि शाम तक जो पूरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा और आज या कल में जो क्रिकेट प्रेमी है, जो आईपीएल प्रेमी है, वो शेड्यूल जानकर वो कहीं ना कहीं उनके लिए खुशखबरी सामने जल्द ही आ सकती है। जी आशीष जी, बिल्कुल ऋषभ, पहला मौका होगा जब बिना दर्शकों के मैच आयोजित होंगे और आईपीएल का जो आनंद है वो भारत में नहीं बल्कि दुबई में, यूएई में लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आशीष, कोरोना की महामारी को देखते हुए बिना खिलाड़ियों के क्रिकेट कराया जा रहा है और आईपीएल ऐसा आयोजन रहता है जिसमें जो सभी जो भारतवर्ष के जो लोग हैं वो उससे जुड़े रहते हैं, उसका इंतजार करते हैं हर साल, लेकिन इस बार स्टेडियम में जाकर उसका मजा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो दर्शकों की जो फीलिंग्स जुड़ी हुई थी आईपीएल को देखते हुए उसके चलते आईपीएल का आयोजन इस बार दुबई में, माफ कीजिएगा, यूएई में कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दर्शक जो स्टेडियम में जाकर मजे लेते थे वो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, जिस तरह का क्रिकेट वो देखना चाहते, जिस एक्शन के लिए आईपीएल जाना जाता है वो टीवी पे बैठ के, घर पे बैठ के आनंद ले सकते हैं, लेकिन बिना दर्शकों के कहीं ना कहीं मजा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, दर्शकों का जो आईपीएल से जुड़ाव है वो देखने को मिलेगा और जिस तरह से आज शेड्यूल जारी हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमी और आईपीएल प्रेमियों के लिए खुशखबरी जरूर सामने आएगी। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि दर्शक वहां पर नहीं जा पाएंगे लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में क्रिकेट मैच आयोजित नहीं हुए और जो लोग घरों में बैठे हैं या फिर जिन लोगों का समय काटना मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी राहत भरी खबर है क्योंकि वो घर बैठे मैच का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आशीष, 53 दिन का जो ये पूरा शेड्यूल आएगा क्योंकि 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक की जो डेट निकली है, तो 53 दिन का जो पूरा समय आएगा, जो लोग घर पर बैठे बोर हो रहे थे तो उनके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी निकल कर सामने आएगी क्योंकि आईपीएल जिस तरह का आयोजन होता है, दिन में भी मैच होते हैं, रात में भी मैच होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो एंटरटेनमेंट, जो लोग बोर हो रहे थे उनके लिए एक अच्छी है। और क्रिकेट के लिए देखिए, भारत में क्रिकेट को लेकर एक अलग ही जुड़ाव देखा जाता है, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है लेकिन क्रिकेट से जो जुड़ाव है भारत के लोगों का वो अलग ही है, तो आईपीएल उसमें एक पॉजिटिव वो लेकर आएगा और लोगों के कहीं ना कहीं जो घर पर बैठ के जो आनंद ले सकते हैं वो उनको देखने को मिलेगा, एक एंटरटेनमेंट मिलेगा। और जिस तरह से धोनी ने जो अभी रिटायरमेंट लिया है तो लोग धोनी को भी खेलते देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आईपीएल में धोनी खेलते हुए भी लोगों एक खुशखबरी है उनके लिए क्योंकि धोनी को खेलते हुए लास्ट टाइम बिल्कुल देख सकते हैं। जी
जी बिल्कुल। इसके अलावा देखिए ऋषभ, फिलहाल इन दिनों में अगर देखा जाए तो जैसे जिस प्रकार से मैच हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लोग देखेंगे, लेकिन इसके अलावा कई सारी एक्टिविटीज मैच के पैरेलल चलती है, जैसे ड्रीम इलेवन है जिसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है, लोग उस पर टीम बना करके खेलते हैं और अर्निंग भी करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो चालू हो जाती है और लोगों में उसको भी लेकर काफी रोमांच देखने को मिलता है। बिल्कुल देखिए आशीष, अभी भारत चीन के खिलाफ सर्जिकल डिजिटल जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो लगातार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ऐप्स बंद हुए हैं, जो लोग पूरे कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में पबजी और अन्य जो गेम थे उनको खेलते दिखाई दे रहे थे, तो वो अब उनको खेलने को नहीं मिल पा रहा है, तो ड्रीम इलेवन जैसे जो गेम है वो उनको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एंटरटेनमेंट के लिए आईपीएल देख सकते हैं, तो वहीं जो पैसे की बात आती है और एंटरटेनमेंट की बात आती है अपनी टीम बनाकर, तो जो कोरोना का जो टाइम चल रहा है, जो लोग घर पर बैठे हुए हैं, जिनके एंटरटेनमेंट की जो चीजें थी, जो गेम्स वो बंद हो गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आने वाले जो अब मैच के जो 53 दिन रहेंगे उनके एंटरटेनमेंट की चीजें बढ़ेंगी। और इस कोरोना से जो एक लोगों के आसपास जो नेगेटिविटी का माहौल एक बन रहा था, लोग घर में बैठे जो देख रहे थे लगातार कोरोना के मामले और लगातार जो केसेस निकल कर आ रहे थे, उससे आईपीएल कहीं ना कहीं उन्हें पॉजिटिविटी देगा, और जिस तरह से जो ये ऐप्स बंद हुए हैं इससे भी एक उनको बाहर निकलने की वो मिलेगी, क्योंकि लगातार जो इस तरह के ऐप्स रहते हैं वो उसमें टीम बनाते हैं, खेलते हैं, अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह से एक पॉजिटिविटी का माहौल जरूर बनेगा। तो आईपीएल कहीं ना कहीं भारत में एक खुशखबरी लेकर सामने आएगा कि शेड्यूल जारी होगा और जो लोग हैं वो इससे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगातार लोग जो फैंस थे वो सौरभ गांगुली से लगातार पूछ रहे थे कि शेड्यूल कब आएगा, तो उन्होंने इसी में एक प्रेस वार्ता के दौरान इस बात को रखा कि जल्द ही शेड्यूल जारी हो जाएगा, शेड्यूल पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो आज शाम तक या फिर कल जो शेड्यूल जारी होगा तो लोगों के लिए खुशखबरी है और इस तरह की चीजों से लोग जुड़ते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे, जिन्होंने अपडेट दी आईपीएल से जुड़ी अपडेट उन्होंने बताया कि और आज शाम तक या कल सुबह तक शेड्यूल जारी हो जाएगा आईपीएल का, और आईपीएल का रोमांच का आनंद लोग ले पाएंगे।